शासन की और भारत सरकार की बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है। इस जिले के लिए और जिले के हर हिस्से के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, केवल जेवर के लिए नहीं, दादरी के लिए, ग्रेटर नोएडा के लिए, नोएडा के लिए। इस जिले में जैसा आप अवगत है, पहले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, बूम किया, फिर उसके बाद रियल एस्टेट बूम किया और वहाँ पर स्टैग्नेशन आ रहा है। जेवर एयरपोर्ट एक बहुत बड़ा इम्पेटस और थ्रस्ट देगा सर्वांगीण विकास के लिए। फर्दर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जेवर में कि जो सहमति प्राप्त हुई है वो 70% से अधिक हुई है, लेकिन ये सहमति किसानों के की अपनी सहमति है। ओके सर, आप अवगत होंगे कि जब पहले एक बार सहमति मांगी गई तो केवल 4-5 लोगों ने सहमति दी थी, 4 लोगों ने दी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी 3 अगस्त को आए थे गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में और तब उन्होंने कहा था कि प्रशासन और किसानों को बातचीत करनी चाहिए और हम भी गए थे सभी गांव में, चर्चा की गई थी और प्रशासन में लोगों का विश्वास, स्थानीय पुलिस में लोगों का विश्वास, स्थानीय पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव में लोगों का विश्वास और बाकी स्टेक होल्डर्स में लोगों का विश्वास, ये उसका एक्सप्रेशन है। आपने कहा ये 1300 हेक्टेयर के लिए जो सहमति आई है कंटिन्यूअस बेसिस पे, डेली बेसिस पे आई है और ये प्रयास चलता रहेगा। मैंने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए हैं अपने एरिया एमएलए को, एसडीएम को, डिप्टी कलेक्टर जो नए हैं, इस काम के लिए कि जनता के बीच में कम्युनिकेशन बनाए रखेंगे और लगातार संवाद करते रहेंगे। हम 70-75% में नहीं रुकेंगे, हम कोशिश करेंगे इसको 100% आम सहमति पूरी हो जाए। कार्रवाई तो प्रारंभ हो ही रही है जी सर। लेकिन लोगों के विश्वास के लिए हम लगातार उनसे कम्युनिकेशन बनाए रखेंगे, हमारे लोग जाते रहेंगे जी सर। उनकी यदि कोई आशंका है तो उसको समझाते रहेंगे और ये देखेंगे कि उनके बेस्ट इंटरेस्ट में स्टेट का जैसा डायरेक्शन है इश्यूज को रिजॉल्व किया जाए। किसी भी तरह की कोई भी गलतफहमी हम नहीं होने देंगे और इसलिए हमारी मशीनरी इसका ये अंत नहीं हो गया काम का कि 11-1 कर रहे हैं। 11-1 तो होता रहेगा लेकिन हमारे यहाँ हर स्तर पे लोगों से कम्युनिकेट करते रहेंगे, उनकी आशंकाएं यदि कोई है तो दूर करते रहेंगे और उनका हल निकालते रहेंगे। मैंने उस दिन कहा है कि जेवर एयरपोर्ट में यदि कोई पेमेंट होगा तो उनके दरवाजे पे होगा, यदि उनके कागज के लिए अगर फोटोकॉपी भी करानी होगी तो किसान नहीं कराएगा, हमारी फोटोकॉपी मशीन वहां लगेगी, हमारे लोग वहां जाएंगे, बीच में कोई मीडिएटर नहीं आएगा, पैसा सीधे उनके बैंक के में ट्रांजैक्शन होगा इलेक्ट्रॉनिकली। जिले के सभी लोग, उनके लिए हम लोग कोशिश करेंगे एक स्पेशल कार्ड बनाए, उस स्पेशल कार्ड में उनकी जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है उसको एक्नॉलेज करते हुए जिले के हर ऑफिस में जब वो जाएं तो वहां पे उनको विशेष रिस्पेक्ट दिया जाए कि भाई उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। अगर पुलिस ऑफिस में भी जाएं और जेल रिपोर्ट के डिस्प्लेस्ड लोग हैं या अफेक्टेड लोग हैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाएं तो लोग उनको विशेष रिस्पेक्ट देंगे जी, बहुत बढ़िया। इसके अतिरिक्त जिले के जितने स्टेट स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे इंडस्ट्रीज हैं, चाहे और इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे मेडिकल एसोसिएशन है, सभी से कहेंगे और हम लोगों ने कहा है कि जेवर एयरपोर्ट के अफेक्टेड लोग यदि उनके पास जाते हैं तो उनको विशेष रूप से ध्यान दिया जाए।